धरनी धरी मैं 12 अवतार लिया, बहुत बड़ा भार उठाया। धरनी धरी धरनी को पृथ्वी को उठाया, और मत्स्य अवतार में मैं ब्रह्मा जी की रक्षा किया, उद्धार किया, और वेद का उद्धार किया, और मधु कैटभ का वध किया, मधु जैसा महान शत्रु का वध किया। लेकिन उस समय भी इतना परिश्रम नहीं लगा जितना मान मनाने में हो रहा है परिश्रम। धरनी धरी विधि वेद उधार्य, धरनी धरी विधि वेद उधार्य, मधु संसार दुसह दुख मेटे, दुसह दुख मेटे, बलि को राज लयो, श्री कृष्ण याद करने में क्या क्या काम किया। पृथ्वी का उद्धार किया, ब्रह्मा जी का उद्धार किया, वेद को धारण किया, उद्धार किया महाप्रलय में, तैरा मत्स्य अवतार लेकर, और द्विज निरप किए, मैं ब्राह्मणों को राज्य दिया, क्षत्रियों के साथ इतना बड़ा युद्ध किया भगवान परशुराम जी बन करके, और वामन अवतार लेकर के मैंने बलि राजा का राज ले लिया, तीन पर में सारा भूमंडल नापा। लेकिन उस समय इतनी मेहनत नहीं पड़ी थी। इतव श्रम तबहुत नहीं भयो, उस समय भी इतना परिश्रम नहीं हुआ। इतव श्रम नाही तबहु भयो, ये सब काम किया मैं बड़ा से बड़ा। वामन अवतार लेकर के बलि का राज लिया, थोड़ी सी चतुरता किया, केवल ब्राह्मण बन करके भीख मांगा, उन्होंने दे दिया। क्या परिश्रम हुआ? कोई परिश्रम नहीं हुआ। लेकिन तुमसे मैं थोड़ी सी भीख मांग रहा हूँ, मान जाओ, हमारे तरफ देखो, हंसो, देखो, बहुत भारी परिश्रम पड़ा। और फिर राम अवतार में तो यो धनुष स्वयंवर कीन्हा, तो रावण यजीत जयो, रावण यजीत जयो। मैं शिव जी का धनुष तोड़ा श्री राम अवतार में, स्वयंवर में भाग लिया, सीता को प्राप्त किया, और अजय रावण को भी जीता। रावण के साथ भी युद्ध हुआ, बहुत दिन युद्ध हुआ, रावण को मैं जीत लिया। शिव जी के धनुष को तोड़ा, उसके पहले स्वयंवर किया, सीता को प्राप्त किया, रावण का वध किया, पर रावण का वध करने में भी, उसके साथ युद्ध करने में भी इतना परिश्रम नहीं हुआ। तो 31 बाण चढ़ाया, एक बार छोड़ दिया, मर गया। उसको मारने में मुझे कोई परिश्रम नहीं हुआ, लेकिन तुमको मनाने में बहुत परिश्रम। इतो श्रम नाही न तबहु भयो, तो रो धनुष स्वयंवर कीन्हा, तो रो धनुष स्वयंवर कीन्हा, रावण जीत जयो, जीत का अर्थ है जिसको कोई भी देवता या दानव मनुष्य कोई जीत नहीं सका था, जो अजय था,
लेकिन ऐसे परम बलवान रावण को मैं मार दिया। अघ बक बच्छ अरिष्ट के सीम थे, अघ बक बच्छ दावानल अचल, मैं अघासुर का वध किया। अघ जो सबको खा गया था अजगर बन करके, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, अरिष्टासुर, केसी, ये सब दैत्य थे जो मथुरा से आते थे कृष्ण बलराम को मारने के लिए। इसी अवतार की बात भगवान कह रहे हैं, मैं इस बार जन्म लेकर के और अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, वत्सासुर का वध किया, और अरिष्टासुर जो सांड के रूप में आया था, केसी जो घोड़ा के रूप में आया था, इनको मथे, इनको मैं मार करके, और यहाँ तक कि मैं दावानल भी पिया। कई कोस में आग लगी थी ब्रज में, तो उस आग को मैं पी गया, लेकिन उस समय भी इतना ताप या इतना परिश्रम नहीं हुआ जितना तुमको मनाने में हो गया। तिय बपु धरयो असुर सुर मोहे, तिय बपु धरयो असुर सुर मोहे, मैं मोहिनी अवतार लिया और असुर और सुर देवता और दानव सबको मोह लिया, यहाँ तक कि भगवान शिव को भी मोह लिया। उस समय इसका अर्थ है कि मैं इतना सुंदर था मोहिनी अवतार में कि सब लोग मोहित हो गए, और बुद्धि, उस समय बुद्धि मेरी कितनी काम की कि दैत्यों को भ्रम में डाल करके, बात में फुसला करके, और अमृत का कलश ले लिया और अपने भक्तों को, देवताओं को पिलाया। उस समय हमारी बुद्धि काम कर गई, लेकिन तुमको मनाने में हमारी बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई है। ये भगवान कह रहे हैं, तिय बपु धरय असुर सुर मोहे, तिय बपु धरय को जग जो नद्रयो, कौन ऐसा संसार में होगा जो मुझको देख करके द्रवित नहीं हो गया, मोह में नहीं पड़ गया। अरे जब विश्वेश्वर भगवान शिव भी मोह में पड़ गए तो औरों की तो क्या बात। और बुद्धि से मैं अपने भक्तों को दिया, और इस जन्म में गुरु सुत मृतक जाय बेकारन, गुरु सुत मृतक सागर शोधल, सागर शोधल, मैं मरे हुए अपने गुरु पुत्र को जिलाने के लिए, लाने के लिए पूरा समुद्र छान डाला, सागर शोध लयो। लेकिन उस समय भी मुझे इतना परिश्रम नहीं पड़ा समुद्र शोधने में भी, और मृत गुरु पुत्र को खोजने में भी। गुरु दक्षिणा दिए थे भगवान, गुरु के मरे हुए पुत्र को ला दिए थे, पर उस समय भी इतना परिश्रम नहीं हुआ। तिय बपु धरय असुर सुर मोहे, तिय बपु धरय को जग जो नंद, को जग जो नंद, गुरु सुत मृतक जाय बेकारन, गुरु सुत सागर शोध लयो, सागर शोध लयो, इतो श्रम नाही न तब हु भयो, इतो श्रम नाही न तब हु भयो।
पर इसमें मुझे बड़ा रस आता है, परिश्रम तो लगता है मनाने में। तो भगवान कहते हैं, जानो नहीं कहा या रस में, जानो नहीं कहा या रस में, सहज ही हो तो नयो, सहज ही हो तो नयो, सूर सुबल अब तो ही मनावत, सूर नहीं सब विसहरी गयो, नहीं सब विसहरी गयो। वो जो बल था अनेक अवतार में, इस अवतार में मैं बल से क्या क्या काम किया, पर सारा बल मेरा विसर गया। पता नहीं इस रस में क्या विशेषता है, सहज ही होत नयो, ये रोज नया नया लगता है, नया नया रस होता है। राधा रानी को मनाने में भगवान कहते हैं कि पता नहीं इस रस में क्या विलक्षणता है, मनाने एक मनावन रस है। मनाने में बहुत रस आता है, लेकिन तुम मानती नहीं हो, तो हमारे सारा बल बिसर गया। कहाँ है वो बल, कहाँ है वो बुद्धि, क्या बोलूँ, कैसे व्यवहार करूँ कि तुमको मैं मना लूँ। मैं बलम बलवताम चाहम बुद्धि बुद्धिर्मताम अस्मि, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, बलवानों में बलवान मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा बल और मेरी बुद्धि सब खत्म हो गई तुमको मनाने में। श्री प्रिया जी का मान बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ बरसाने में गहवर वन के पास एक मान मंदिर है। मान मंदिर का मतलब यही हुआ जो गाया गया, वहाँ मान करके राधा रानी बैठी हैं और श्री कृष्ण हाथ जोड़ करके खड़े हैं, राधा रानी से के सखी ललिता जी से परमिशन मांग रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं कि हमको भीतर जाने दो। तो कहती हैं, सखी नंदलाल ने आवन पाए, देखना कभी कृष्ण को मत आने देना श्याम सुंदर को, अरे ऐसन को विश्वास कहा रही, कपट बैन बतला है, इस पर क्या विश्वास है, हमेशा कपट और झूठ बोल करके एकदम गेट आउट करो, आने मान। यही वहाँ पर तस्वीर रखी गई है, वह मान मंदिर जहाँ रमेश बाबा जी महाराज रहते हैं, मान मंदिर, और उसका नाम भी है मानगढ़ है, उस शिखर का नाम है मानगढ़। राधा रानी वहाँ मान करती हैं और श्री कृष्ण मनाते हैं, और कभी कभी मनाने में श्री राधा रानी नहीं मानती हैं तो रो भी देते हैं, फिर भी परम रस आ रहा है। पहाड़ उठा लिया, गोवर्धन उठा लिया, ये किया वो किया, मंदराचल से मथा जा रहा था समुद्र, उसको धारण किया, और मोहिनी अवतार लिया, सब किया। उस समय मेरी कितनी बुद्धि थी कि मैं असुरों को मोह लिया, उनके हाथ में गए हुए अमृत को लेकर के दे दिया भक्तों को, और वो बुद्धि अब कहाँ चली गई तुमको मनाने में। इसका अर्थ है कि मैं हार गया, अब अपने आप मान जाओ तो ठीक है। इसके बाद सवैया है भारतेंदु हरिचंद जी का, मैं उसे कहूँगा, सब लोग गा नहीं पाएंगे। जाहूँ जो दूर हटो, जाओ जी दूर हटो, सो बकाए बिन बात ही को अब यासो। सखी से कह रही राधा रानी कि तुम जाओ हमको मनाओ मत, कभी कभी सखियाँ मनाती हैं श्याम सुंदर की तरफ से, मान जाओ नहीं। वो राधा रानी कहती है, जाहूँ जो दूर हटो, तुम जाओ जाओ दूर हटो, सो बकाए बिन बात कहीं को अब आयास। अब बिना बात कहीं कौन इससे बके, कौन इससे बात करे, वह छलिया ने बनाया के खासो, पठायो है या ही न जाने कहास। उस छलिया ने
किसी को अपना बना लिया है या हमको अपना बनाया और छोड़ दिया और तुमको दूत भेजा है, पठाए हो या ही न जाने कहाँ, और किस लिए आया है, क्यों आया है। का ही करे उपदेश खरो हरिचंद कहे कित जाई के तासो, क्या उपदेश कर रहा है, ये उपदेश देने आया है दूत बनकर उद्धव से, क्या कहा जाए। सो बनी पंडित ज्ञान सिखावत, मथुरा में है और पंडित बनकर के ज्ञान सिखा रहा है, विद्वान बनकर। सो बनी पंडित ज्ञान सिखावत कुबरी हूँ नहीं उबरी जास, जिसे कुबरी तक नहीं बची और वह पंडित हो गया है, बड़ा भारी ज्ञानी बन गया। कुबरी के साथ रहने में ज्ञान कहाँ चला गया, तो कुबरी हूँ उबरी नहीं जा, कुबरी भी जिससे नहीं बची और वह ज्ञान सिखा रहे। तो ललिता जी कहती हैं तुमको क्या हो गया है, पिए रूसी में लायक हो या जो रूसन हो वही सो चाहिए मान किए। अगर प्रियतम रूसने लायक हो तब न उससे रुसना चाहिए, कोई गलती किया हो कुछ किया हो, तुमको मान न दिया हो आदर न दिया हो तो उसे रुसना चाहिए, उससे मान करना चाहिए। ये हरिचंद श्री कृष्ण चंद्र तो हरिचंद तो दास सदा बिन मोल को, वो तो बिना मोल के तुम्हारे दास हैं, तुम्हारे अधीन रहते, उनसे क्यों मान करती हो। हरिचंद तो दास सदा बिन मोल को, मोल को बोले सदा रुख तेरो लिए, तुम्हारा रुख देख कर कहीं कुछ बोलते हैं, रहे तेरे सुखी सो सुखी नित ही, वे तुम्हारे सुख में सुखी रहते हैं, और मुख तेरो ही प्यारी बिलो की जिए, और हे प्यारी तुम्हारा मुख देख कर कहीं वे जी रहे हैं। पर हमें आश्चर्य होता है क्यों तुम ऐसे रहती हो, इतने हूँ पे जाने न क्यों तू रहे सदा पी व सुभाव तने निकी, तू अपने प्रियतम से अपनी भाव तिरछाई करके रखती हो हमेशा, ठीक से बोलती हो ना वे आते हैं तब भी ठीक से मिलती नहीं है, बस तुमको क्या हो गया है। राधा रानी को मनाने में से ललिता जी सदा व्यस्त रहती हैं, और सेवा है लेकिन मनाने में मध्यस्थ बनती हैं, और श्याम सुंदर ललिता जी को कहते हैं कि आप मना लीजिए हमसे तो नहीं मानेंगे, ये कहते हैं कि ऐसे प्रियतम से तुम अपनी भाव हमेशा ताने ही रहती हो, सदा रंज ही रहती हो। तो ललिता जी अन्य सखियों से कहते हैं, राधा रानी से ही कह रहे हैं, हाहा करी हारी, मैं हाहा करके, हाहा एक ब्रज भाषा है, हाहा खाना मतलब विनय करना, दुख प्रकट करना, एक बार गा ले इसको, हाहा करी हारी ननी हारी रुखी ए महारी, हाहा करी हारी ननी हारी रुखी ए महारी, मोह सोची हारी माने तन को नहीं कहूं, समाधि से आराधती है कही दैया, समाधि से आराधती है कही दैया, और ही पकड़िया मिथुरा पर आरती।
विशाखा आदि मना रही हैं तो कहती हैं राधा रानी मान करके बैठी और ऐसा मान कि एकदम चुपचाप हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। कभी कभी तो बोल देती हैं हूँ, डिस्टर्ब मत करो हमको, लेकिन इस बार हूँ भी नहीं कर रही। तो ललिता जी कहती हैं हाहा करी हारी नन निहारी रुखिये महारी। मैं हाहा करके विनय करके हार गई लेकिन थोड़ा देखती भी नहीं है, नन निहारी निहार भी नहीं, देख भी नहीं रही हमारे तरफ। रुखिये महारी, तुम महारुखी हो गई हो। महारुखी का अर्थ स्नेह नहीं, कुछ नहीं, ऐसे देखी भी नहीं। और मोहु सो चिन्हारी माने तनको नहीं कहो, और मुझको भी नहीं पहचान रही है। मैं इसकी प्राण सखी हूँ, इसके साथ रहती हूँ, लेकिन मुझको भी नहीं, मुझसे भी चिन्हारी कुछ नहीं रहती, मैंने पहचान नहीं रहती। जैसे लगता है कि हमसे इसका कभी का कोई परिचय नहीं है। राधा रानी से ही कह रही, मुँह सो चिन्हारी माने तनको नहीं कहो, थोड़ी भी पहचान नहीं समझ रही है कि सखी है, मना रहे कुछ सुनना चाहिए, इतना कड़ा हो गई, रुखा हो गई। अरे तुम क्या क्या सोच रही हो, ये समाधि जैसे एकदम लगा करके बैठी हो। साधी के समाधि सी आराधिती है काही दैया, हाय देव, क्या समाधि जैसा लगा करके और क्या सोच रही है चुपचाप। और अहीं पकड़ी अति निठुर कराए नहूँ, ये अड़ पर अड़ गई है, अपने हठ पर अड़ गई है और थोड़ा भी बोलती भी नहीं है, हूँ हूँ भी नहीं कहती हूँ कह से ये हटाने का एक शब्द है। यदि अपने प्राणपति श्याम सुंदर के दुख को जान लेती तो ऐसा नहीं करती, मान करने का नाम नहीं लेती। जानती हो क्या हुआ है, ये पूर्णिमा की रात है, राका निशी पूर्ण उजाला दिन भर रात भर, राका निशी आली ब्याली भई घन आनंद को श्री कृष्ण को श्याम सुंदर को ये पूर्णिमा की रात सर्पिणी जैसी लग रही, सर्पिणी जैसी अजगर की स्त्री, और इसमें भी प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी, और तुम इस तरह से पड़ी हो। ढरी चलो चंदा पैन ढरी ढरे मुख चंदा, चंदा ढर गया पश्चिम दिशा में, डूबने जा रहा है, पर फिर भी तुम्हारा चंद्र मुख नहीं ढरा, तुम पर तुमको दया नहीं आ रही। धरी चलो चंदा पैन ढरे मुख चंद, धरी मुख चंद, चंद्रमा डूबने जा रहा है लेकिन ये मुख चंद अभी उगा ही है, ये नहीं ढरा, मतलब नहीं ढरा मतलब द्रवित नहीं हुआ। धरी चलो चंदा पैन ढर मुख चंद, धरी चलो चंदा पैन धरी चंद्रमुखी नहीं ढरी, चंद्रमा ढल गया है लेकिन चंद्रमुखी नहीं ढली। हा हा करी हारी नानी हारी रुखी है महारी, हा हा करी हारी नानी हारी रुखी है महारी, मुँह सोचे नारी माने तन को नहीं कहूँ, साधी कै समाधि से आराधती है कही दैया, साधी के समाधि से आराधती है कही दैया, और ही पकड़ी मिठुरा करना प्राणपति आरती जो जाने तो सुजान करी, प्राणपति आरती
नाम ली हो राधा थोड़ा भी खुश नहीं हो, ऐसा नाम लेकर के भी नहीं ढरती हो, इतना सुंदर नाम राधा नाम है। राका नी से आली ब्याली भई धन आनंद को, राका नी से आली ब्याली भई धन आनंद को, चलो चंदा पहनो धरी चंदन खरो। 37 पृष्ठ पर 61 श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण मान लीला में इतना सुख मानते हैं तो उसी को कह रहे हैं, मनाने का एक स्टाइल है भगवान का। तेरी आन मान मिही मेरे मन मान रही, तेरी आन मान मिही मेरे मन मान रही। तुम्हारा नाम मानना मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरे मन को वही भाता है नाम मानना। अनमाननी तेरी अनमाननी ही मेरे मन मान रही, निहारे हमारे नेत्र इसी को देख रहे हैं, तुम्हारा न निहारना मेरे तरफ न देखना ही हमारी आंखें देख रही हैं। तुम हमारे तरफ नहीं देखती हो तो और अच्छा लगता है, तुम्हें तो यही देखने में मुझे सुंदर लगता है कि मेरे तरफ नहीं देख रही है। इसी को हमारे लोचन निहार रहे हैं, देख रहे हैं। लोचन निहारे हेरी सोहना निहारी वो, जब माने तुम सौंह लेकर के सौगंध लेकर शपथ लेकर के मेरे तरफ नहीं देखती हो तो इसी को हमारे नेत्र देखते हैं। कोरी कोरी आदर को करत निरादर है, कोरी कोरी आदर को करत निरादर है। करोड़ों करोड़ों आदर का, करोड़ों करोड़ों आदर हो जाता है तुम्हारे द्वारा निरादर होने से। तुम जो हमारा निरादर करती हो, तिरस्कार करती होते करोड़ों करोड़ों आदर से बढ़ करके। कोरी कोरी आदर को करत निरादर है, कोरी कोरी आदर को करत निरादर है, सुधाते मधुर माह झुकी झीझ से। मधुर क्या लगता है, अमृत के समान मधुर, जब तुम अपने सिर को वस्त्र से ढक करके हमारे तरफ देखती नहीं हो और मैं जब तुम्हारा तुमको मनाना चाहता हूँ तुम्हारे वस्त्र पकड़ करके या हाथ पकड़ कर तो उसमें झिझकारी वो झिझकार देती हो, ये सुधा से भी मधुर लगता है। सुधा ते मधुर माह जो कि झिझकारी वो, भगवान कहते हैं जीवन की जारी घन आनंद सुजान प्यारी।
तुम मुझे जलाने वाली हो, तुम मेरे जीवन की जीवन हो, तुम मेरे बहुत प्रिय हो। जीव जीती लाहो लहे तेरे हठे हारी वो। जब तुमसे मैं हार जाता हूँ तो वही मेरा विजय, वही मेरी जीत है। तुमसे हारना ही मेरी जीत है। रूखी रूखी बात ना हो सर से स्नेह सूठे, रूखी रूखी बात तुम बात रूखी बोलती हो, मुझे कपटी कहती हो, धूर्त कहती हो, तुम्हारे पर तुम पर विश्वास नहीं। रूखी बातें हैं लेकिन इसी में इतना रस टपकता है, मैं क्या बताऊं। बात रूखी रूखी बात में स्नेह टपकता है। रूखी रूखी बात सरस स्नेह सूखी, रूखी रूखी बात रुखी रुखी बातों में भी स्नेह का सुष्ठु रस झरता रहता है। स्नेह का रस, प्रेम का रस टपकता है। रुखी रुखी बात सरस स्नेह सुष्ठु, सुखी रुखी तुमको मनाता हूँ, तुम्हारे चरण का स्पर्श करता हूँ या बांह का स्पर्श करता हूँ, तो उस समय तुम अनख ही क्रोध करके मेरा हाथ झटक देती हो। ये तो मेरे हृदय से निकल ही नहीं रहा है, वो तो हृदय में बस गया है। हिये ते झटक देना, टार देना, ये हमारे हृदय से टर ही नहीं रहा है, हृदय से कभी विदा नहीं हो रहा है, यही याद आता है हमेशा। ये ते टर मन लीला में भगवान ये सब बातें कहते रहते हैं, मनाते रहते हैं। और घनानंद जी को भूरी भूरी धन्यवाद है जिन्होंने सब पद लिखा है। घनानंद जी एक ब्रजभाषा के भक्त कवि हो गए। तेरी आन माननी मेरे मन मान रही, तेरी आन माननी मेरे मन मान रही, लोचनानी हरे हेरी सहनानी हरी बो, लोचनानी हरे हेरी सहनानी हरी बो। कोरी कोरी अगर को करत निरागर, कोरी कोरी अगर को सुधाते मधुर मा
श्री कृष्ण इसी भाषा में बोलते थे, ब्रज भाषा में, और राधा रानी भी गोपियाँ उनकी बोली हुई बोली है। बिजोगी हरि जी ने लिखा है, जा बाणी में ब्रज की छोहरिया कहाँ ठिलाए, खोर सा करी पाँव काँ करी गरत माए री माए। जिस भाषा में ब्रज की गोपियाँ बोली हैं, यरी सखी साकरी खोर में काकरी गर रही है हमारे पाए में, खोर साकरी पाए काकरी गरत माए री माए, ब्रजभाषा। आप प्रकट देख रहे हैं कि भाषा में कितना सौंदर्य है। और बंगला में भगवान गौर निताई बोले हैं, इसलिए वो भाषा तो और मधुर है। और स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी ब्रज भाषा में बात करते थे, गाते थे। तो ये भाषा है, प्रत्येक शब्द समझ में नहीं आता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते उसका भाव समझ में आ जाता है। अब पृष्ठ 38 पर एक पद है, इसमें राधा रानी कपटी कह रहे हैं कृष्ण को, लेकिन कभी गाती हैं तो कहते हैं कि हे प्रियतम, आप कपट करने पर भी बहुत अच्छे लगते हैं। कपट करने पर भी बहुत सुंदर। तो ये है 72 नंबर का श्लोक 38 पृष्ठ पर। अंतरा गठिले मुख ढीले ढीले बन बोलो, अंतरा गठिले मुख ढीले ढीले बन बोलो। हे प्रियतम श्याम सुंदर, आप भीतर से बड़ा कड़ा हैं। और राधा रानी गोपियाँ उनकी बोली हुई बोली है। बिजोगी हरि जी ने लिखा है, जा बाणी में ब्रज की छोहरिया कहाँ ठिलाए, खोर सा करी पाँव काँ करी गरत माए री माए। जिस भाषा में ब्रज की गोपियाँ बोली हैं, यरी सखी साकरी खोर में काकरी गर रही है हमारे पाए में, खोर साकरी पाए काकरी गरत माए री माए, ब्रजभाषा। आप प्रकट देख रहे हैं कि भाषा में कितना सौंदर्य है। और बंगला में भगवान गौर निताई बोले हैं, इसलिए वो भाषा तो और मधुर है। और स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी ब्रजभाषा में बात करते थे, गाते थे। तो ये भाषा है, प्रत्येक शब्द समझ में नहीं आता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते उसका भाव समझ में आ जाता है।